भद्रम पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्ते देवा जतरा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जतर पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रा पञ्च जनाः तमादितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः थोड़ा लाइट लाइट कम कर दो भैया हेलोजन की। हाँ देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। महत् सौभाग्यम् अस्माकम् अधिमंचम् देदीप्यमानाः साक्षात् शंकरावताराः श्रीमद् जगद्गुरुवः पुरी पीठाधीश्वराः शास्त्र संरक्षकाः सत्य सनातन धर्मस्य प्रचारकाः पदवाक्य प्रमाण प्रमाणज्ञाः स्वज्ञानेन स्वतपोबलेन अंधे तमसि निमग्न जनान् सन्मार्ग प्रदर्शयन्तः पूज्यपादाः एतेषां चरणकमलयोः साष्टांगं प्रणम्य स्वागतं वंदनं करोमि। पूज्यपादानां स्वागताय मया निवेद्यते भागवत मर्मज्ञाः व्यासस्वरूपाः पाराशरवर्याः ते स्वागतं कुर्युः। आदौ हमारे भागवत के जो मुख्य यजमान हैं झांसी से पधारे श्री शरद गुप्ता जी, केवल वो मंच पर आएंगे। हाँ, और महाराज श्री के बाद में वह पूज्य स्वामी जी का पूजन करेंगे। श्री जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है जो पाराशर अध्यात्म पीठ के उद्घाटन समारोह में
अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत के मध्य साक्षात शिव स्वरूप पूज्य पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान का महद अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। आज महाराज के प्रसंग में जहाँ देवादिदेव महादेव इस ब्रज भूमि में गोपी स्वरूप धारण करके पधारे थे, ऐसे अवध के भी संत विराजमान हैं आज, और ब्रज के भी रसिक जन बैठे हैं, और पूरी पीठाधीश्वर जी साक्षात शिव स्वरूप आज हमारे सन्मुख विराजमान हैं। हमारा निश्चित रूप से ये विशेष सौभाग्य है, और पूज्य चरण का जो भी आशीर्वचन हमें प्राप्त होता है, मैं जब भी अवसर प्राप्त होता है पूज्य श्री के चरणों में बैठ करके उनकी वाणी के द्वारा, ऐसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है, तो जब जब तीर्थराज प्रयाग में श्री धाम वृंदावन में अवसर मिलता है पूज्य श्री के वचनों में ऐसा गंभीर है और ऐसे सिद्धांत शास्त्रों का मर्म सन्निहित होता है कि सूत्र रूप में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई संदर्भ नहीं, चाहे वो व्यवहारिक जगत की बात हो, चाहे अध्यात्म जगत की बात हो, चाहे शास्त्रों की, वेद वेदांत की, सारे विषयों में महाराज पूरी तरह निष्णात हैं। और ये हम लोगों का ही नहीं, ये भारतवर्ष का ही नहीं अपितु सारे विश्व का सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य विभूति आज इस घोर कलिकाल में हम लोगों को सुलभ हो रही है। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि जब विभूतियों का अदर्शन हो जाता है तब हम उनकी महिमा को गा गा करके उनके गुणानुवाद गाते हैं, परंतु जो विभूतियाँ हमारे मध्य विराजमान रहती हैं उनकी महिमा को हम नहीं समझ पाते। इसलिए जो महापुरुष इस समय विराजमान हैं उनकी महत्ता को हमें समझना चाहिए, और उनके चरणों में बैठ करके जितना बन पड़े अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हमारे पूज्य श्री, मुझे पहले तो बड़ा भय लगता था, पर जब पूज्य श्री हमारे छोटे से गांव में भी पधारे, दो दिन के लिए कृपा पूर्वक उनके चरण घर पर भी पड़े थे, तब से मुझे थोड़ा सा साहस हुआ कि पूज्य श्री देखने में जैसे नारिकेली समाकारम है, ऊपर से लगता तो ऐसा है कि जैसे बहुत, उनके वचनों से थोड़ा भय उत्पन्न होता है, परंतु उनकी निकटता में जो आकर के देखते हैं, जो उनके चरणों के निकट पहुंचते हैं, तब उनके अंतःकरण में जो परम करुणा और कृपा भरी हुई है उसका दर्शन वही कर सकते हैं जो उनके चरणों के अति सन्निधान में पहुंचे हैं। इसलिए हम सबका आज परम सौभाग्य है कि ऐसे करुणा वरुणालय कृपा पूर्वक हम सबको अपने वचनों से अनुग्रहित करने के लिए पधारे हैं। हम अधिक से अधिक उनकी वाणी का श्रवण करके और उनके दिए हुए विचारों पर चिंतन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। महापुरुषों का दर्शन सबसे अधिक दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः, मानव में मानवता आ जाए यह बड़ी बात है, पर मनुष्यत्व से भी ऊंची बात है मुमुक्षा जागृत हो जाए, मुक्ति की इच्छा। पर मुक्ति की इच्छा कदाचित जागृत हो ही गई, परंतु जब तक जीवन मुक्त किसी महापुरुष का चरणाश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक मुक्ति की युक्ति बताएगा कौन। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के रूप में आज एकमात्र हम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान को देखते हैं। और पूज्य, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो पूरा, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है और अपनी गति से आगे बढ़ती है परंतु उसका उद्गम वही स्थान होता है, ऐसे पूज्य श्री के चरणों से जो भी सूत्र प्राप्त होते हैं उन्हीं सूत्रों को अपने ढंग से अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए हम यदा कदा आप लोगों के बीच में उनका कृपा प्रसाद ही वितरण करते हैं। प्रसाद तो पूज्य श्री से प्राप्त होता है, वितरण करने वाले मात्र हम लोग हैं। यदि किसी ने किसी को 5,000 रुपया का मनी ऑर्डर भेजा है तो डाक खाने से आकर के हमने तो केवल उनके रुपये आपको पकड़ाए हैं, यदि वो कोई रुपया देता है और लेने वाला उसी का गुणगान करने लग जाए कि आपने सवेरे सवेरे 5,000 रुपया दिए, आपका बड़ा हम पर अनुग्रह हुआ, तो ये उसका अविवेक है। अरे गुणगान उसका गाओ जहाँ से रुपया तुम्हें भेजा गया है, देने वाला तो निमित्त है। उसी प्रकार से पूज्य शंकराचार्य भगवान के जो भी वचन
प्राप्त होते हैं दास को, उन्हीं वचनों को आप तक प्रसाद के रूप में वितरण करने का ही काम इस दास के द्वारा प्रयास किया जाता है। तो ऐसे पूज्य चरण के चरण कमलों में वारंवार प्रणति निवेदित करते हुए प्रार्थना है कि अपने वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। बोल शंकराचार्य भगवान की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नमापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो गो हत्या बंद हो भारत अखंड हो अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो भगवती सुभद्रा देवी की जय हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण 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 समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व और आस्थापूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों का योगदान है भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो ऐसी भावना है। श्री पराशर जी हमारे बहुत ही लाडले प्यारे हैं, धीरे धीरे आरोपित भय इनका दूर हो रहा है, यह सुमंगल तथ्य है। सज्जनों सब ही मान प्रद आप अमानु अमानी महापुरुषों का लक्षण होता है अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। स्वयं वे मान से सुदूर रहते हैं परंतु गुणग्राही होने के कारण सर्व रूपों में सर्वत्र भगवत दर्शन के कारण वे दूसरों को मान देते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, गुरु गोविंद और ग्रंथ इन तीनों के कारण ही कोई मान योग्य सिद्ध होता है। सनातन परंपरा प्राप्त गुरु गोविंद और ग्रंथ ही मान देने योग्य हैं, उन्हीं की अनुकंपा से कोई उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकता है और बना जाता है। आप श्री पराशर जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का रस रहस्यपूर्ण प्रवचन सुन रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भगवत तत्व रसस्वरूप है, रसो वैसा है, उपनिषदों का ऐसा उद्घोष है। एकं ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम, स्वप्रकाश रस तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से स्वयं को श्री राधा कृष्ण के रूप में उद्भासित करता है। अतः श्री राधा और कृष्ण में सर्वथा एकत्व है, एक ही तत्व की दो अभिव्यक्ति ये मान्य हैं। जो राधा हैं वे कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वे राधा हैं, दोनों में कोई विभाजक रेखा अमान्य है। श्रीमद् भागवत ने दार्शनिक धरातल पर तत्व को परिभाषित किया है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते
यत अद्वयम् ज्ञानम तत्तत्त्वम्, अद्वय ज्ञान का नाम तत्व है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी है। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान होता है उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की, विषय के रूप में ज्ञेय की आवश्यकता होती है, अतएव तत्व नहीं। श्री गौड़पादाचार्य महाभाग ने श्रीमद् भागवत का मंथन करके एक रहस्य उद्भाषित किया, अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व होता है। अन्योन्य सापेक्ष का नाम दृश्य है। इस दृष्टि से विचार करें तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी में किसी एक के न रहने पर शेष दो की सिद्धि नहीं होती। श्रीमद् भागवत ने स्वयं ही इस तथ्य को ख्यापित किया है, एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। त्रिपुटी से पारंगत अतीत जिस अखंड बोध अद्वय बोध स्वप्रकाश ज्ञान के बल पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की सत्ता और उपयोगिता सिद्ध होती है, श्रीमद् भागवत को वही तत्व के रूप में मान्य है। एक नियम है दार्शनिक धरातल पर, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द यते, आगे नारायण आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वो जो अद्वय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है। उसी को कहीं ब्रह्म कहा जाता है, कहीं भगवान कहा जाता है, कहीं परमात्मा कहा जाता है, कहीं नाम कहा जाता है। रस तत्व के मर्मज्ञ ये भी कहते हैं, निर्गुण निराकार भूमि में जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार भूमि में उसे हम परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार भूमि में उसे हम भगवान कहते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि निर्गुण निराकार का अस्तित्व सगुण निराकार भूमि में विद्यमान रहता है, निर्गुण निराकार सगुण निराकार का अस्तित्व सगुण साकार भूमि में भी विद्यमान ही रहता है। एतावता मूल लक्षण तत्व का श्रीमद् भागवत के अनुसार यही है कि यत अद्वयम् ज्ञानम तत्तत्वम्। त्रिपुटी से पारंगत जो स्वप्रकाश अद्वय बोध है उसी का नाम सज्जनों तत्व है। अब श्रीमद् भागवत ने स्वयं ही उदाहरण के रूप में भाव को व्यक्त किया। द्वादश स्कंध में एक तेज ले लीजिए, तेज एक तत्व है, उसको लेकर त्रिपुटी बनती है, अधिभूत रूप है, नील पीत श्वेत इत्यादि जो रूप है ये अधिभूत कहे जाते हैं। अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय को अध्यात्म कहते हैं, उद्भाषक आदित्य या सूर्य को अधिदैव कहते हैं। लेकिन रूप नेत्र और सूर्य इन तीनों की सत्ता तथा उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम तेज है। रूप के बिना भी तेज का अस्तित्व है, तेज के बिना रूप का अस्तित्व नहीं है। नेत्र के बिना भी तेज का अस्तित्व है, तेज के बिना नेत्र का अस्तित्व नहीं है। सूर्य के बिना भी तेज का अस्तित्व है, तेज के बिना सूर्य का अस्तित्व नहीं है। तो अधिभूत अध्यात्म अधिदैव तीनों की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है व्यावहारिक धरातल पर श्रीमद् भागवत ने उसे तेज कहा। यहाँ मैं सूर्य कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में दीपक कहा गया है। दीपक का समष्टि रूप मैंने सूर्य बताया। इसका अर्थ यह होता है कि हम जो त्रिपुटी का व्यवहार करते हैं उस त्रिपुटी के मूल में जो तत्व प्रतिष्ठित है श्रीमद् भागवत को मूलतः वही तत्व मान्य है। एक संकेत की आवश्यकता है। सामान्य रीति से किसी से पूछा जाए, केवल शब्द का अर्थ ही वह जानता हो कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हैं, बेखट के कहेगा त्रिपुटी के शिरोभाग में जो ज्ञाता है वही मैं हूँ। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं, झट से उत्तर देगा प्रमाता हूँ। ध्याता ध्यान ध्येय में आप कौन हैं, झट से उत्तर देगा मैं ध्याता हूँ। दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हैं, दृष्टा हूँ। त्रिपुटी के शिरोभाग में जिसके आगे ता या टा का प्रयोग होता है निसर्ग सिद्ध, उसी में आत्मबुद्धि होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने संकेत किया
कि आप स्वयं को दृष्टा समझिए, प्रमाता समझिए, ज्ञाता समझिए, और दृष्टा प्रमाता ज्ञाता का जो मौलिक स्वरूप है अखंड विज्ञान, उसी को तत्व समझिए। मैंने एक संकेत किया सज्जनों, श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में अभिव्यक्त है। एक विचित्र तथ्य, श्रीमद् भागवत को समझना दुर्गम है, क्योंकि कम से कम सांख्य और योग का सांगोपांग अनुशीलन हो, वेदांत दर्शन सदा हुआ हो, तब श्रीमद् भागवत का अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन वो जो रस तत्व है, परमात्म तत्व, वह जब सगुण साकार श्री कृष्णचंद्र परमानंद कर्ण सुदासन मदन मोहन के रूप में, निवृत्त निकुंजेश्वरी राधा रानी विश्वभानु नंदिनी के रूप में व्यक्त होता है, तो आह्लादप्रद सिद्ध होता है। इसीलिए एक की दो रूपों में अभिव्यक्ति व्यावहारिक धरातल पर रस को व्यक्त करने में समर्थ है। इस संस्थान का नाम अध्यात्म परक है। अध्यात्म की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय में की गई है। स्वभाव का नाम अध्यात्म है। जीव का जो मौलिक स्वरूप है उसी का नाम अध्यात्म है। लेकिन एक दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर सूत्र है, संदेश है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। हमारा आपका जो यह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है, और जीवात्मा परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। फिर से सुनिए, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। आत्म तत्व का देहेंद्रीय प्राणांतःकरण अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण वेदांत ग्रंथों में इनको भी अध्यात्म कहा गया है। आध्यात्मिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जब हम दैहिक ताप कहते हैं तब आध्यात्मिक ताप, तो शरीर और इंद्रियों को लेकर, मन को लेकर जो वेदना प्राप्त होती है उसी का नाम आध्यात्मिक या दैहिक ताप है। इसका अर्थ हुआ, अध्यात्म कहने पर आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान साक्षात या परंपरा से सिद्ध होता है। एतावता स्थूल शरीर भी अध्यात्म है, सूक्ष्म शरीर भी अध्यात्म है, कारण शरीर भी अध्यात्म है, और आत्मा तो अध्यात्म है ही श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार। इसका अर्थ क्या हुआ, एक बहुत अद्भुत तथ्य है। श्रीमद् भागवत ने जो मुक्ति को परिभाषित किया है, मुक्ति के वह सार्वभौम अपने आप में परिभाषा है। चाहे चार्वाक दर्शन को मानने वाले कोई हो, चाहे बौद्ध दर्शन को, चाहे जैन दर्शन को, चाहे वैशेषिक दर्शन को, चाहे न्याय दर्शन को, चाहे सांख्य दर्शन को, चाहे योग दर्शन को, चाहे पूर्व मीमांसा को मानने वाले हों, चाहे उत्तर मीमांसा को, एक बहुत विचित्र तथ्य है यह। बहुत विचित्र तथ्य क्या है, हमने संकेत किया सज्जनों, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। जिस दार्शनिक को आत्मा का जो स्वरूप मान्य है उसके अनुरूप ही आत्मा स्थिति का नाम श्रीमद् भागवत की दृष्टि में मुक्ति है। उपनिषद के ही वाक्य को श्रीमद् भागवत ने यथावत समुद्रित किया है। फिर से सुनिए, अनात्म वस्तुओं से विविक्त, अनात्म वस्तुओं से अतीत जो तत्व है उसी का नाम आत्म तत्व है। अनात्म वस्तुओं से विविक्त आत्म तत्व के अनुरूप आत्म मान्यता जब होती है तब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, चार्वाकों के यहाँ, बहुत गंभीर तथ्य है, चार्वाकों के यहाँ चेतना विशिष्ट शरीर को भले ही आत्मा मान ले, माना जाता हो, लेकिन इनको तत्व नहीं माना जाता। पृथ्वी जल तेज वायु को ही वे लोग तत्व मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ,
अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। मुक्ति की सार्वभौम परिभाषा है। वेदांत प्रस्थान में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों से विविक्त आत्म तत्व को आत्मानुरूप समझ लें तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं एक संकेत करता हूँ, प्रवचन को विराम भी देता हूँ। सावधान, गाढ़ी नींद का वेग ही हमारे जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग उत्पन्न करता है। हमको आपको गाढ़ी नींद तो प्रायः नित्य सुलभ होती है, लेकिन गाढ़ी नींद के वेग की दशा में त्याग का जो अद्भुत बल हमारे जीवन में प्राप्त होता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध के अनुसार अहमिचा प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर अर्थात अंतःकरण के सो जाने पर सुप्त हो जाने पर गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। जब गाढ़ी नींद का वेग हमको प्राप्त होता है, बाहर के सख चंदन वनिता व्यंजनादि की बात छोड़ दीजिए, विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी, कोई अपने शरीर को भी निहारना नहीं चाहता। इसका मतलब स्थूल शरीर से भी अतीत होकर अवशिष्ट रहना चाहता है। गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर पानी फेर देता है। मैं कम्युनिस्टों के बीच में बड़े चाव भाव से एक वाक्य कहा करता हूँ, जो मत या वाद 24 घंटे भी टिक न सके उसका आश्रय लेकर कैसे उत्कर्ष होगा। अगर कोई कम्युनिज्म को पकड़ के रखे, देहात्मवाद को पकड़ के रखे, तो गाढ़ी नींद का वेग ही उस देहात्मवाद पर, कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक क्यों होता है। और थोड़ा विचार कीजिए, इंद्रियां अगर फुदकती रहीं, चाहे ज्ञानेन्द्रियाँ हों चाहे कर्मेंद्रियाँ, विषय के ग्रहण और विसर्जन में ही अगर इंद्रियाँ लगी रहें तो गाढ़ी नींद नहीं होगी। दो चार दिनों तक गाढ़ी नींद नहीं होगी तो विक्षिप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। गाढ़ी नींद का वेग हमारे जीवन में कितना त्याग और वैराग्य का बल भर देता है, इस पर विचार कीजिए। जिनके जीवन में वैराग्य की न्यूनता हो, त्याग कमजोर हो या नहीं के बराबर हो, उनको गाढ़ी नींद पर श्रीमद्भागवत के अनुसार विचार करना चाहिए। अहमिचा प्रसुप्ते, प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन को गिनते रहें, उसी पर दृष्टि डालें तो भी हम विक्षिप्त हो जाएंगे। जब गाढ़ी नींद का वेग सुलभ होता है तो प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है या नहीं। अब लीजिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अगर वो संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण गर्भ का त्याग न करें तो गाढ़ी नींद सुलभ होगी। मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से भी ऊपर उठने की भावना हमारे हृदय में उद्रिक्त होती है तब गाढ़ी नींद सुलभ होता है। और बहुत पते की बात है कि जितने भौतिकवादी हैं विषय लंपट होते हैं, विषय आराम होते हैं, इंद्रिया आराम होते हैं, विषय जन्य आनंद को ही सब कुछ मानते हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपने सिद्धांत पर टिके रहें, सक चंदन वनिता व्यंजनादि के परिरंभन या सेवन से सुलभ मोद प्रमोद अगर आनंद है तो जिनके जीवन में प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वे फिर आनंद को भुलाकर, आनंद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद क्यों चाहते हैं। मैंने तीन शब्दों का प्रयोग किया तैतृय उपनिषद के अनुसार, प्रिय, मोद और प्रमोद। अभीष्ट वस्तु के मिलने की आशा से या मिलने पर जिस आह्लाद का उद्रेक होता है उसका नाम है प्रिय। अभीष्ट वस्तु के सेवन से जिस आह्लाद का उद्रेक होता है वह प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद है मोद। इच्छित वस्तु का यथार्थ वस्तु का, अभीष्ट वस्तु का सेवन कर लेने पर जो बाह्याभ्यंतर आनंद की स्फूर्ति होती है, अंग्रेजी वाले कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग की दशा होती है, उसका नाम है प्रमोद। जिसके जीवन में प्रिय ही नहीं, प्रिय से उत्कृष्ट आनंद मोद, मोद ही नहीं, मोद से भी उत्कृष्ट आनंद प्रमोद उच्छलित है, उसे गाढ़ी नींद की आवश्यकता क्यों है। भौतिकवादियों के सामने इस प्रश्न को प्रस्थापित करें, वहाँ घुटना टेक देंगे। फिर से सुनिए,
पंचदशी कार ने एक ज्वलंत प्रश्न उठाया, अगर विषय जन आनंद से ही जीवन सार्थक होता, तब प्रश्न उठता है कि वेदना नहीं पीड़ा नहीं, जिनके जीवन विषय जन आनंद उमर रहा है, घुमर रहा है, प्रबोध के रूप में उच्छलित हो रहा है, वे विषय जन आनंद को पकड़ के रखें तो क्या होगा, पागल होंगे या नहीं? हम दुख से ही ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर प्रिय ही नहीं, बोध ही नहीं, अपितु प्रमोद को भी छोड़ना चाहते हैं, प्रमोद की तिलांजलि देखकर गाढ़ी नींद में जाना चाहते हैं। इसका मतलब विषय जन आनंद भी हमको कृतार्थ करने में समर्थ नहीं है, विक्षिप्त या पागल बनाने में ही समर्थ है। इसके पीछे दार्शनिकता क्या है? एकमेक तरा भावे यदानोपलभाव है त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। ध्यानपूर्वक सुनिए, 5-7 मिनट, एक विचित्र बात है, जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती। मान लीजिए गेंदे के पुष्प का दर्शन या स्पर्श करके या उसे सूंघ करके मुझे सुख मिल रहा है, तो गेंदे के पुष्प का नाम क्या हो गया? भोग्य। आनंदानुभूति का नाम हो गया भोग, अब मैं हो गया भोगता। जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ अजहल लक्षणा द्वैत होता है, दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है, और जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, और जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद हो ही नहीं सकता। इसलिए विषय जन आनंद भी व्यक्ति को पागल बनाने में समर्थ है। अगर विषय जन आनंद से ही जीवन की कृतार्थता संभव हो, तो जिनके जीवन में विषय जन आनंद भरपूर है उस आनंद को भुलाकर सोना क्यों चाहे? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में क्या लिखा? सपन हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन वाट कोटि को कहे। स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन क्या करेगा? श्रम उत्पन्न करेगा, और जहाँ श्रम होगा वहाँ निरत से आनंद नहीं होगा। इसीलिए एक विचित्र बात है, सपन ही नहीं सुख द्वैत दर्शन, विषय जन आनंद जहाँ पर होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। हमारी आपकी तो बात ही क्या, तैतृय उपनिषद के अनुसार 2-4 मिनट बात करते हैं। सावधान, मर्त्य लोक यह है ना भूमंडल, आजकल भूगोल का विज्ञान भी विलुप्त प्राय, सार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही आजकल के भौगोलिक 7 भागों में बांट देते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत के 5वां स्कंध और विष्णु पुराण के अनुसार यह भूगोल का वास्तविक स्वरूप नहीं है। सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। एक संकेत करता हूँ, महायंत्रों का ज्यों ज्यों प्रचुर आविष्कार प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं सबका लोप होता जाता है। तो आप लोग विचार कीजिए, विकास युग है या ह्रास युग? श्रीमद् भागवत के अनुसार इस समय जो चल रहा है वो विकास युग है या ह्रास युग? कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कली के प्रथम चरण में, उसकी अपेक्षा द्वितीय चरण में, उसकी अपेक्षा तृतीय चरण में, उसकी अपेक्षा चतुर्थ चरण में, विकास मान्य है या ह्रास? प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का उपकर्ष का नाम ह्रास है या विकास? युग के क्रम से प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में क्या है, ह्रास है या नहीं? महायंत्रों के माध्यम से जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं, विकास के मूल में महायंत्र को ला के रख देते हैं, तब क्या होता है जी? जितने दिव्य मान बिंदु हैं उन सब का विलोप हो जाता है। ईश्वर के तीव्र संकल्प से केवल बीज की रक्षा होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुभैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार आया है, माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, माहेश्वर काशी खंड और काशी खंड अध्याय 2। गोभी गोवंश का द्रुत गति से विलोप हो रहा है यानी, गोवंश में द्रुत गति से विकास के नाम पर विकृति आ रही है यानी, विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मणों का द्रुत गति से विलोप हो रहा है या नहीं, या विकास है या ह्रास? वेदों का क्या लेंगे, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कितनी शाखा होनी चाहिए? 1180। शीतोपनिषद के अनुसार 1135।
सूत संहिता और व्याकरण महाभाष्य के अनुसार 1131 कम से कम 1131 अधिक से अधिक 1180 वेद शाखाओं का उल्लेख हमारे यहाँ है। अब पूरे विश्व में 8-9 शाखाएं रह गई, उनके जानकार भी विलुप्त हो रहे हैं। जितने पृथ्वी के धारक शास्त्रीय विधा से यज्ञ के संपादक मान बिंदु हैं, उनका महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने के कारण विलोप हो रहा, उनमें विकृति आ रही है। सतियों का विलोप हो रहा है नहीं, सत्यवादियों का विलोप हो रहा है या नहीं, दानशीलों का विलोप हो रहा है या नहीं, सती भी सत्यवादी भी अलुब्धय निर्लोभ व्यक्तियों का विलोप हो रहा है या नहीं, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी क्षिप्रा इत्यादि जो दिव्य जल धाराएं हैं उनमें विकृति आ रही है या नहीं, ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश प्रबन में द्रुत गति से विकृति आ रही है या नहीं, इनका विलोप हो रहा है या नहीं, धीरे धीरे ये कुपित हो रही है या नहीं। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैंने जो कहा जो जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होता है त्यों त्यों हमारे पृथ्वी के धारक जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं वे सब विलुप्त होते जाते हैं, विकृत होते जाते हैं। मनु जी ने लाखों वर्ष पहले क्या किया, संकेत किया, सावधान किया। मनुस्मृति को गाली भले ही कोई दे दे अज्ञान के कारण, मनुस्मृति का एक सूत्र ही पूरे विश्व की आंख को खोल देने में समर्थ है। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु शेष रह जाए संभव नहीं। गाल फुला के आप रहेंगे तो ठाका मार कस नहीं सकते, ठाका मार के रहेंगे तो एक कालावत 6 दिन गाल फुला के रह नहीं सकते। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा तो दिव्य वस्तु रहेगी नहीं। दिव्य वस्तु को रखना चाहते हैं तो महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग पर नियंत्रण करना ही होगा। महायंत्र प्रवर्तनम और निवृत्तिस्तु महाफला, ये भी मनुस्मृति का वचन है। सावधान, निवृत्तिस्तु महाफला, इसका मतलब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो, तब जीवन की सार्थकता है। पूरे वैदिक वांग्मय को अगर एक वाक्य में गुम्फित करना हो तो जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार क्या करेंगे, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति, कृष्ण भूवाचक शब्द और नश्चय निर्वृत्ति वाचक, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। 5-7 मिनट ध्यान पूर्वक और सुनिए, या आजकल ये जितने भौतिकवादी हैं सबका जीवन व्यर्थ सिद्ध हो रहा, विकास के नाम पर जो भौतिकता को प्रश्रय दिया जा रहा है उसके गर्भ से निकल क्या रहा है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जितने भौतिकवादी हैं उनके जीवन में प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में होता है और निवृत्ति में, दायित्व का कभी अंत होता है क्या, 80 साल के लगभग ब्राह्मण ही होंगे, 80 साल के लगभग साफा उफा पहने पूरी में आए, हमारा परिचय नहीं था कुछ, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप चातुर्मास में वेद वेदांत पढ़ाते हैं, हमने कहा बात सच्ची है, मन तो करता है मैं भी पढ़ूं लेकिन घर का दायित्व तो बहुत, वृद्ध थे मैं मुस्कुरा दिया। तो जब गए तो इनसे पूछा साथ वालों से कम उन ब्राह्मण देवता की आयु कितनी रही होगी, तो कहा 80 से कम नहीं, 80 साल में भी घर का दायित्व तो बहुत है, इसलिए भजन नहीं कर सकता। अब किसका मतलब हुआ, ये भौतिकवाद है या नहीं, ये भौतिकवादियों को पहला शाप प्राप्त है श्रीमद् भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार, सुन लीजिए, प्रवृत्ति के गर्भ से तुम प्रवृत्ति निकाल सकते हो, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में नहीं कर सकते, जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उस गति की दुर्गति होती है या सार्थकता, गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचाने में है ना, लेकिन भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ है। एक मिथिला में कहावत है 100 सुनार के तो 1 लुहार, भौतिकवादी हम लोगों पर क्या आक्षेप आक्रमण करेंगे, अभी जो 5-7 मिनट में बोलूँगा, एक भी विश्व के भौतिकवादी के पास इन प्रश्नों का आक्षेप का कोई उत्तर नहीं, इसलिए गर्व से कहना चाहिए हम अध्यात्मनिष्ठ हैं, दब के नहीं और अहंकार पूर्वक भी नहीं। भौतिकवादी क्या आँख दिखाएंगे, पहली आँख उनको बड़े प्रेम से हम दिखाते हैं, डरिएगा मत, आप आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म पीठ की स्थापना की तो आध्यात्मिक है, लेकिन अध्यात्म पीठाधीश्वर के रूप में पूजिएगा मत। हाँ, आजकल बड़ा चल रहा है
अपने आश्रम का नाम पीठ परक रख दो तो अपने आप पीठाधीश्वर कहलाने लग जाएंगे। फिर रह गया जगत गुरु, उसके बाद रामानुजाचार्य लगा लो, शंकराचार्य लगा लो, कुछ भी लो, ये द्वार है पीठ, तो द्वार को संयत करके रखें। बैठिए, हमने क्या कहा सज्जनों, ध्यानपूर्वक सुनो। जितने भौतिकवादी हैं उनमें क्षमता है कि प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में कर सके। प्रवृत्ति के गर्व से प्रवृत्ति यही भौतिकवाद की पहचान है या नहीं? तो भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ हुआ या नहीं? और लीजिए, ज्ञातव्यम न अवशिष्यते तस्य कार्यम न सिद्ध्यते, गीता। यस्त्वात्मरतिरेवस्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येवच संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कृतकृत्यश्च जायते तस्य कार्यम न विद्यते। भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ है। पहला हेतु क्या हुआ? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में नहीं कर सकते, उनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाती है। दूसरी बात, चींटी के समान भौतिकवादी रेंगते रहें, हृदय पर जब हाथ रखकर एकांत में विचार करेंगे, जो करना था कर लिया, चीख मारेंगे हाय जो करना था कर न सका। भौतिक विधा से कर्तव्य का अंत नहीं होता, ये भौतिकवादियों को दूसरा शाप प्राप्त। मोदी जी सावधान, मनमोहन जी सावधान, और नरसिंह राव जहाँ हों वो सावधान, और ट्रंप जी भी सावधान। कोई भी भौतिकवादी हो, हृदय पर हाथ रखकर एकांत पर विचार करे, जो करना था कर चुका, चीख मारेगा हाय जो करना था कर नहीं चुका। कर्तव्य का अंत भौतिक विधा का आलम्बन लेकर संभव नहीं है, प्राप्तव्य का अंत भी संभव नहीं है। सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा कर आजकल की भाषा में बैंक और राष्ट्र को एक एक प्रांत को लूट करके धन इकट्ठा कर लो, लेकिन एकांत में जब सोचोगे विचार करोगे कि जो पाना था पा लिया, रोते हुए कहोगे हाय जो पाना था पा न सका। और चाहे विश्वविद्यालय की जितनी डिग्री डिप्लोमा हैं सब एक जीवन में बटोर लो, एकांत में विचार करो कि जो जानना था जान लिया, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। मैया सत बना पार्थ योगम युजन युजन मदाश्रय असम संयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु, गीता का सातवां अध्याय। भौतिकवादी रो पड़ेगा हाय जो जानना था जान न सका। और एक भौतिकवादियों को शाप प्राप्त है, इसे सुनिए, नहीं तो यह ज्यादा दिनों तक मंच कथा वार्ता का क्रम नहीं चलेगा, भौतिकवाद इतना प्रबल हो रहा है। एक और संकेत करता हूँ, छांदोग्य श्रुति आठवें अध्याय के आधार पर। भौतिकवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंद्रिय तादात्म्यापत्ति, और इंद्रियों की गति क्या है? केवल वर्तमान में, भूत और भविष्य में इंद्रियों की गति नहीं होती। होती है क्या? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित होती है। इसलिए जितनी योजनाएं बन रही हैं पूरे विश्व में, आधुनिक ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के चपेट में आकर इन सब योजनाओं के मूल में केवल वर्तमान तक दृष्टि है। भौतिकवादियों की लाचारी है कि उनकी दृष्टि इंद्रियाराम होने के कारण, विषय लंपटता के कारण केवल भूतकाल, केवल वर्तमान काल तक होती है। भूत और भविष्य में भौतिकवादियों की दृष्टि जाती नहीं, इसलिए उनकी योजना के गर्भ से विस्फोट निकलता है। बहुत ऊंची बात हुई है ना? और तैतृय उपनिषद के अनुसार विचार करें, वेद कहाँ प्रतिष्ठित हैं जी? मनोमय कोष में, मन में। मन में वेद प्रतिष्ठित हैं, तो जैसे मैंने कहा कि दक्षिण सम से वस्तु सम में, इसी प्रकार अभिव्यंजक संस्थान वही होना चाहिए जो अभिव्यंग के अनुकूल हो, क्योंकि रूप का दर्शन नेत्र के द्वारा ही क्यों होता है? दोनों तेजस हैं, तेजोनिष्ठ गुण विशेष नील पीत श्वेत इत्यादि रूप हैं, और अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय भी तेजस है, तो ग्राही ग्राहक भाव साजात में होता है। इसलिए मनोमय कोष में ही वेद क्यों प्रतिष्ठित हैं? मन और वेद का लक्षण एक जैसा। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, कालिका मनुस्मृति।
मांडूक उपनिषद, वेदों का बीज कौन है? सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति प्रणव ओंकार यच्च त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एव। इसका मतलब वेद, वेदों का बीज कौन हुआ? ओंकार। काल गर्भित और कालातीत जितने पदार्थ हैं सब में वेदों की गति। वेद को गाली देने से काम नहीं चलेगा। भौतिकवादियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है, अतीन्द्रिय पदार्थ में उनकी दृष्टि जा नहीं सकती। और इंद्रियां स्वयं अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों की गति स्वयं अतीन्द्रिय पदार्थ में नहीं है, इंद्रियों की गति इंद्रिय में भी नहीं है। इसलिए हमने कहा वेद का लक्षण क्या है मनुस्मृति और मांडूक उपनिषद के अनुसार, जो कुछ काल गर्भित और कालातीत हैं सब में वेदों की अबाध गति है। और मन की क्या स्थिति है? मन की गति भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में है और परब्रह्म परमात्मा तक सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। इसका मतलब क्या हुआ? कालातीत और काल गर्भित सब पदार्थों में मन की गति है। सार क्या निकला? वेद और मन का लक्षण एक है, इसलिए मनोमय कोश में वेदों की प्रतिष्ठा है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, ये जितने भौतिकवादी हैं वो देहात्मवादी होते हैं, विषय लंपट होते हैं, केवल वर्तमान तक उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। अब भौतिकवादी कहना भी उपहास है। पंचभूतों का ज्ञान तो आजकल के वैज्ञानिकों को नहीं है, भौतिकवादी तो भूतों का स्वरूप ही नहीं जानते, पंचभूत का स्वरूप ही नहीं जानते, वो भौतिकवादी भी कैसे हुए? इसलिए इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक जितने हमारे ग्रंथ हैं, सनातन सिद्धांत हैं, वो दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों धरातल पर सर्वोत्कृष्ट हैं। तो हमने आज के प्रवचन में संकेत किया कि भूदेवी ने जो पृथ्वी राजा को प्रबोधित करते हुए सावधान किया, उस पर वाणी को केंद्रित करना चाहिए। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय 18 श्लोक 3-4-5, भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके पृथ्वी को प्रबोधित करते हुए क्या कहा? राजन, कोई देहात्मवादी हो वह यह मान के चले कि भौतिक या लौकिक उत्कर्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए वेदादि शास्त्रों को क्यों मानूं? परलोक को मानता नहीं, परमात्मा को मानता नहीं, इसलिए वेदों की दास्ता क्यों मान लूं? उसको उत्तर दिया भूदेवी ने, कदाचित कोई देहात्मवादी हो, भौतिकवादी हो, भौतिक उत्कर्ष ही उसके जीवन का लक्ष्य हो, तो अभी उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी बात में सन्निहित है कि वह अध्यात्म का लंबन ले। क्यों अध्यात्म का लंबन ले? इसका उत्तर क्या है सज्जनों? इसका उत्तर यह है कि भौतिक विधा से, मन कल्पित विधा से कुछ भी योजना बनाइए, लौकिक उत्कर्ष भी नहीं संभव। इसलिए लौकिक उत्कर्ष ही नहीं, पारलौकिक उत्कर्ष भी और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी जिससे प्रशस्त हो, वही श्रीमद्भागवत का सिद्धांत है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा पद पुराण। एक ब्राह्मण देवता अपने आम के बाग में देवता पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक श्रवण खड़ा होकर देख रहा था। इसके द्वारा दिए गए जल आदि के प्रभाव से देवता पितर तृप्त हो रहे हैं यह तो नहीं जान पा रहा था, लेकिन आम के वृक्ष सिंच रहे हैं इसलिए विरोधी नहीं बना। मैं एक संकेत करता हूँ, एक नंबर का कम्युनिस्ट भी, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला भी, अगर श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति परिवार और समाज की संरचना हो, तो विरोधी न बन करके नतमस्तक होकर अनुगामी बने बिना नहीं रह सकते। समझ गए क्या कहा मैंने? एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक ही क्रिया से, एक वाण से दो निशान, एक ही क्रिया से अभ्युदय निश्रेयस दोनों की सिद्धि, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म श्रीमद् भागवत का उद्घोष है। क्या है? श्रीमद् भागवत का वैदिक वांग का उद्घोष है कि लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। इसलिए कोई भागवत का उदाहरण लेता हूँ, प्रवचन को विराम देता हूँ। युधिष्ठिर जी ने नारद जी को क्या कहा?
यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम् ही देहिनाम अधिकम योभिमन्यता सस्तेनो दंडमर्हति। सुन लो कामिष्टो, मैं एक विचित्र वाक्य बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्रिश्चियन तन, कम्युनिस्ट तन, मुस्लिम तन, ध्यान पूर्वक सुने। इनकी उद्भावना कब हुई, इनके उद्भावना की आवश्यकता कब हुई? सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को समझने या उसके अनुपालन में त्रुटि के कारण। सनातन विधा से अगर व्यक्ति, परिवार, समाज की संरचना हो, अपने आप क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की सत्ता उपयोगिता तीनों नष्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए। इनसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रमाद ही इनके जीवन का रहस्य है, इनके पास कोई वाद है ही नहीं। ज्ञान गया। और श्रीमद् भागवत का ही उदाहरण देता हूँ, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम् ही देहिनाम अधिकम योभिमन्यत सस्तेनो दंडमर्हति। कौन कम्युनिस्ट खड़ा होगा, कौन कम्युनिज्म का पक्षधर होगा? कबीरदास जी से पूछिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए, अतिथि सत्कार हो जाए, देवकारी पितृकारी का निर्वाह हो जाए, उससे अधिक संपत्ति पर जो अपना स्वामित्व मानता है सस्तेना, वो चोर है। दंड में रहती, दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि उसको दंड दे। इस वचन श्रीमद् भागवत के एक वचन के आगे कम्युनिज्म टिक सकता है क्या? यमराज के अवतार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा क्या, उद्योगपति महाभारत, अब दंड मिलना चाहिए तो दंड का विधान कौन करेगा? यमराज करेंगे, धर्मराज करेंगे। क्या किया? दो प्रकार के, ध्यानपूर्वक ये वाक्य सुनिए, दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं, दंडाधिकारी का कर्तव्य है उनको दंड दे। दो प्रकार के व्यक्ति कौन है? धनवंत मदातारम दरिद्रं चा तपस्विनम, धनी होकर के 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरने वाला, 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरने वाला अगर है, उचित स्थल पर अपने धन का उपयोग और विनियोग नहीं करता है, दंडाधिकारी का कर्तव्य उसे दंड दे। अब इस सिद्धांत के आगे कम्युनिज्म क्या बोलेगा? और दूसरा जो व्यक्ति कौन है, अदातारम, हाथ पर हाथ रखे है, हाथ पांव में कोई रोग नहीं है, चाहे तो चला सकता, दाने दाने के लिए मोहताज है, फिर भी हाथ पर हाथ रखे है, वो दरिद्र भी अगर बार बार समझाने पर नहीं समझता है तो दंड उसको मिलना चाहिए। हर गरीब को ही पुरस्कार देना उचित नहीं, उसे भी दंड देना चाहिए। धनवंत मदातारम दरिद्रं चा तपस्विनम, और तपस्वी श्रम से मुकरता है, हाथ पर हाथ रखे है, दंड क्या मिले भाई? गले बद्वा दृढ़ शिलम, वजनदार मजबूत पत्थर विधिवत उसके गले से बांध करके ताकि खिसके नहीं और जलाशय में डुबा दे। ये देखिए, इसके सामने कौन सा कम्युनिस्ट टिकेगा? इसलिए फिर से सुनिए, कम्युनिस्टों से, क्रिश्चियनों से, मुसलमानों से कोई हमको खतरा नहीं। जितने वाद हैं, तंत्र हैं, हमारे प्रमाद के गर्भ से निकले। अगर वर्णाश्रम व्यवस्था की ठीक से का परिपालन हो, से परिभाषित करने का प्रकल्प चले, कोई वाद विश्व में टिक ही नहीं सकता, कोई तंत्र विश्व में टिक नहीं सकता, हमारे प्रमाद का फल ये सब है। इसलिए आज न सही कल पूरे विश्व को इस बात को मानने की आवश्यकता है। नान्य पंथा विद्यते नाया। अब अंत में विषयाध्यायत चित्तम विषयस्व विसर्जते माम अनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रबलियते। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध, विषयों का चिंतन करता हुआ विषय में तादात्म्यपन्न हो जाता है, रचपत जाता है चित्त, लेकिन मुझ कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भयविद भगवत तत्व का चिंतन करता हुआ चित्त सदा के लिए चार खाने चित्त हो जाता है। अंत में भगवत पाद आदि शंकराचार्य का स्मरण करते हुए वचन को विराम देता हूँ। चित्त चौकारची तो संयुक्त हम लोगों को पहले ऐसे पढ़ाया जाता है, लकुमदी का नाम भी नहीं पहले, लेकिन पढ़ाने का ढंग ऐसे था, उच्चारण करने का, कि व्यक्ति अच्छा बोल लेता था। चौकारची चौकार नहीं, चौकारची तो संयुक्त चित्त, चित्त से तकार को खींच लीजिए तो क्या रह जाएगा? चित्त, चित्त चार खाने चित्त होकर चित्त रह जाएगा, यही ना। माम अनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविधीयते। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास
जपा रागो यथा मणव। चित्त से विषयाध्यास रूप तकार खींच लीजिए, चित्त ये चिन्ह मात्र होकर शेष रह जाएगा। चित्तम चिदिति विजानीयात, इसलिए विषयाध्यायतः चित्तम विषयस् विसर्जते मा मनुस्मरतः चित्तम मय व प्रवलियते। अब इन चंदनों को देखकर बहुत आह्लाद है, एक वाक्य कहकर मैं वचन को विराम देता हूँ। सावधान, भव सिंधु में नहीं, आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है, ये वेदांतियों की भाषा। और आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, ये भक्तों की भाषा है। क्या अंतर हुआ जी, बोलने में अंतर हुआ या भाव में अंतर? कुछ गुरुदेव का वाक्य है धर्म सम्राट कटपाट जी महाराज, भक्त क्या बोलेंगे? आनंद सिंधु, आनंद सिंधु तब मध्यतव वासा, बिनु जाने कत मरस पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, काहेरी नलनी तू मुरजानी, तेरे नाल सरोवर पानी, कबीर दास जी, नानक जी, तुलसीदास जी। तो क्या हुआ जी, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भ्रांति है, हम लोग ये बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भावित, अंतर क्या हुआ? इसलिए जीवन को दिव्य बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का संदेश, जगत चिदाश्रित है, दिव्यता आएगी फिर क्या करेंगे? जगत चिन्मय है, बाद में जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। श्रीमद् भागवत में जीवन को दिव्य बनाने का सोपान क्या है? जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, वो न माने तो अभी जगत चिन्मय है और जगत चिन्ह मात्र है, जगत चिन्ह मात्र है। श्रीमद् भागवत का अंत में क्या है? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम् में कहा गया जगत चिन्ह मात्र है। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? श्रीमद् भागवत में जिस भगवत तत्व का वर्णन किया गया है उपनिषद सम्मत, वो जगत बनाता ही नहीं है बल्कि जगत बनता भी है। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजते प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते ह्रति स्वर, सर्जनहार भी भगवान, सृज्य भी भगवान, पालन करने वाले भी भगवान और पालक भी भगवान और पाल्य भी भगवान, संहारक भी भगवान और संहारी भी भगवान। हमारे भगवान ऐसे विलक्षण हैं, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी, इसलिए अवतार लेते। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता। शेष्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता। कुरान शरीफ का खुदा जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता। और बाइबल का गॉड जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहाँ लिखा? आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजते प्रभो, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते ह्रतीश्वर, हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी। अंत में ऐसे कुंभकार कुलाल की कल्पना कीजिए जिसे घट बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, ऐसे सुनार की कल्पना कीजिए जिसे कटक मुकुट कुंडल आदि सुवर्णाभूषण बनाने के लिए सुवर्ण की आवश्यकता न हो, वैसा घट वैसा सुवर्णाभूषण दिव्य होगा या नहीं? भगवान स्वयं ही जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात, श्रीमद् भागवत के भगवान स्वयं जगत बनाते हैं, जगत बनाते भी हैं। तो अन्य ईश्वरवादियों को स्वप्न में भी वैसा ईश्वर सुलभ नहीं है जैसा कि श्रीमद् भागवत के आधार पर हमको ईश्वर सुलभ है। हर हर महादेव। तब विराजी व्यास गद्दी पर। Thank you.